कई लोग मेरे से ही बोल रहे थे कि क्या हर्ष भाई आपके मीटर जो है उसमें दिक्कत है। अच्छा मुंह पे क्रीम लगा रखे तो इग्नोर करेगा, आपको लगे पसीना है। तो गाइस कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हर्ष भाई जो आपका मीटर है उसमें कोई दिक्कत है, बिकॉज एक तो जो है आपका सेंसर शो नहीं कर रहा ऊपर जो टेम्परेचर का सेंसर है, दूसरा ये चीज कि नीचे जो किलोमीटर की रीडिंग है वो आपकी पहले 13 या 14 हज़ार थी, अब वो हटके 0 पे आ चुकी है। एंड उसके बाद गियर वाले में जो 3-4 चीजें बोल रहे थे आप लोग, तो वो सारी चीजें जो है आज मैं आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो आपको पता चलेगा कि इस मीटर में कोई दिक्कत है या नहीं है। एंड लास्ट में फिर आपको पूरा अपने आप जो है रिव्यू आपको लोग देख लीजिएगा कि आपको लगवानी है या नहीं लगवानी है। खैर बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कल कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि इसमें रेंज क्यों नहीं दिखा रहा, तो यार जब ये फ्यूल कम होता है ना तो उस टाइम जो है गाड़ी में रेंज नहीं दिखाई जाती है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था। खैर अभी एक बार टंकी जो है मैं फुल करा लूं उसके बाद देखते हैं। तो गाइस अब बात करूं मैं फीचर्स की, तो भाई देखो पहले है अपने पिछली वीडियो डाली थी उसमें कह रहे थे भाई की रेंज नहीं बता रहा था। देखो ये 514 जब गाड़ी आपकी रिजर्व में आ जाती है ना उसके बाद रेंज नहीं बताता, वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, वो होता ही हूं है, मैं आपको बताता हूँ। रीजन उसका ये रहता है कि कई बार ही होता है हम लोग सोचते हैं कि चल यार 30 किलोमीटर और गाड़ी चला लेंगे, अगर वहाँ पे 30 किलोमीटर दिखा रहा होगा तो वो पहले ही बंद कर देता है। उससे जो है आप लोग मतलब पहले तैयार रह जाइए कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसका तेल खत्म हो चुका है, तो रेंज वेंज जो है सब कुछ प्रॉपर शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड एक ये दिख रहा होगा ट्रिप करके, इधर अगर आप देखोगे ट्रिप लिखा हुआ है, तो ट्रिप से क्या है भाई देखो बेसिकली रीसेट हो जाती है। मैं दिखाऊं ये देखो अभी ट्रिप रीसेट हो गई है, यानी कि जिसका मतलब है अब एक ट्रिप पे यार मेरे को फुल देखना है भाई ये रेंज 514 किलोमीटर दिखा रहा है, मेरे को ये देखना है मेरी गाड़ी कितनी चलती है, तो उस हिसाब से ये ट्रिप मेरे को बता देगा भाई ये गाड़ी जो है इतनी चलती है आपकी, वो चीज है। साइड में फुल आपको दिख रहा होगा फ्यूल, अभी फुल मैंने करा लिया फ्यूल, तो वहां पे वो भी चीज आ चुकी है। अच्छा कई मेरे भाई मेरे से ये पूछ रहे थे कि यार आपका जो गाड़ी है ये ऊपर टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। टेम्परेचर ना दिखाने का सिंपल सा रीजन ये है कि भाई देखो स्विफ्ट जो एलेक्सा है उसमें टेम्परेचर सेंसर नहीं आता जो बाहर का टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर है, तो उसके पीछे ये रीजन है। हालांकि वो लग सकती है चीज, वो लग जाएगी तो उसके बाद जो है ये भी शो करने लग जाएगा, तो वो मीटर की गलती नहीं है, वो गलती है सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मतलब सेंसर नहीं है तो ये बताएगा कहाँ से टेम्परेचर। अच्छा दूसरी चीज ये कि गियर शिफ्टिंग की बोल रही थी, गियर शिफ्टिंग दिखाता है, तो यहाँ पे जो है भाई गियर शिफ्टिंग इस तरीके से दिखाता है, यानी कि अगर देखो अभी मेरे को बोलेगा कि अप कर लो तो उसमें अप का निशान आ जाएगा ऊपर, एक मिनट ये अप का आ जाता है ऐसे, और वहीं पे अगर डाउन का बोलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, गियर मान लो कम स्पीड पे चलाऊंगा ना तो ये डाउन का दिखाने लग जाएगा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देख सकते हो डाउन का आ गया ऐसे, तो इस तरीके से जो है कुछ ये बता देता है। उसके बाद कई मेरे से भाई ये पूछ रहे थे बहुत बड़ा डाउट लोगों का ये था कि क्या ये जो अपनी ट्रिप होती है यानी कि नीचे के जो टोटल किलोमीटर्स होते हैं वो उतने ही आते हैं जितने पहले थे, तो ऐसा नहीं रहता, ये जो चीज है ये स्टोर्ड रहती है भाई आपके मीटर में ही, तो ये आप जब मीटर लगाओगे तो उसके बाद ये 00 किलोमीटर्स पे आ जाएगा। अब मेन चीज ये है कि भाई 00 किलोमीटर्स पे आने के बाद कई लोग ये सोचेंगे कि भाई गाड़ी जो है शोरूम में कैसे होगी, तो मैं बताता हूँ पर्सनली मैंने मारुति में बात करी थी एंड मारुति वाले से मैंने पूछा था कि मैं मीटर चेंज कराने वाला हूँ उसकी ट्रिप जो है वो 0 हो जाएगी उसके बाद, तो वो लोग मेरे से बोले कि कोई दिक्कत नहीं है आपका जो मीटर पुराने वाला था उसकी आप फोटो लेके रख लीजिए एज अ प्रूफ रख लीजिए। हाँ तो मारुति वाले बोले कि भाई आप जो है एक बार प्रूफ लेके रख लीजिए कि आपकी गाड़ी इतनी चली हुई है, उसके बाद हमारे ऊपर है सारा, हम लोग जो है आपकी सर्विसिंग उसी हिसाब से कंटिन्यू रखेंगे, तो ये चीज का डर नहीं है। बट कि आप अगर मीटर करवा रहे हैं तो एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा अपने मारुति वाले वहां पे भी, बिकॉज यू नो कि भाई मीटर आप लोग करवाएं और उसके बाद आप लोग बाद में मतलब दोषी ठहराएं कि हर्ष भाई ये बताएंगे आपने चीज, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मारुति में अगर कंफर्म कर लिया मेरे से कोई इशू नहीं, मारुति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आपका हो जाएगा। खैर आप और फीचर्स की बात बता दो। सो गाइस रात के लुक्स तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, बहुत ही अल्टीमेट लगता है, दिन में भी जो है इसकी ब्राइटनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं वो आपकी मर्जी रहती है, मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस फुल रख रखी है बिकॉज जैसे ही अंधेरा अंधेरा होता है तो मेरे को ब्राइटनेस जो है फुल ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बताऊँ यहाँ पे रियल टाइम अगर आपको माइलेज चेक करनी है तो आप देखो इसको प्रेस करके रखिएगा इस बटन को सिंपल से को, एंड उसके बाद जो आपकी गाड़ी यहाँ से रियल टाइम बताने लग जाएगी, ऊपर का देखा आपने रीसेट हो गया तो अब ये जितनी रियल टाइम दे रही होगी उतनी आ जाएगी यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा ये करके, तो अब ये रियल टाइम कैलकुलेट करती रहेगी फिर उसके हिसाब से जो है आपको बताएगी आपकी गाड़ी कितनी दे रही है। तो अपनी गाड़ी की जो रियल टाइम 24.9 के आसपास दिखा रही है यहाँ पे, तो 24.9 26.1 ये है रियल टाइम में अपडेट होती रहेगी, और ये कुछ फीचर्स हैं। अब और फीचर्स के बारे में मेरे को आपको बताना पड़ेगा पर वो मैं गाड़ी एक जगह लगा के बताऊंगा बिकॉज ऐसे चलते चलते मैं वो चीजें नहीं दिखा सकता आपको, तो गाड़ी एक बार एक जगह लगाता हूँ। और देखो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये मीटर लगवाने के बाद ना मेरे को एक सेटिस्फेक्शन ये है कि यहाँ पे देखो मेरे को रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है 27.9, तो मेरे को खुद अपना गाड़ी को जो है आराम से चलाने मजा आएगा, खैर मैं आराम से चलाऊंगा इस गाड़ी को क्योंकि माइलेज अगर इतनी दिखा रही है, हालांकि इतनी रहेगी तो नहीं, पर हाँ पहले जो दिखाता नहीं था माइलेज तो कुछ पता ही नहीं चलता था माइलेज ज्यादा आ रही है
कमा रही है तो उसमें पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च होता था। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से जो शो करने लग रही है। रेस्ट कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली जो है अपना किलोमीटर शो कर रहा है, माइलेज शो कर रहा है और माइलेज काफी बढ़िया आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब जो है मैं भाई प्रॉपरली ड्राइव कर रहा हूँ बिकॉज मेरे सामने रियल टाइम सब कुछ दिखाता है, तो खुद जो है माइलेज ज्यादा निकालने का मन करता है। आपने सुबह देखा होगा कि भाई फ्यूल मैन डलवाया तो उसके बाद 54 किलोमीटर जो है गाड़ी चल भी चुकी है एंड स्टिल जो है गाड़ी अपनी सही माइलेज दे रही है। खैर अब मैं बात करता हूँ आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ब्राइटनेस के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया था दिन में कि ब्राइटनेस जो है आप कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ फीचर्स क्या क्या आते हैं बेसिकली इसमें। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखाऊँ आपको, ब्राइटनेस ऐसे हो जाती है, आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा और जैसे आप इसको प्रेस करके रखेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे आपको चीजें बताने लग जाएगा, जैसे डिस्टेंस यूनिट आपको क्या सेट करना है, फ्यूल इकोनॉमी आपको कितने में सेट करनी है, यहाँ से दिखाऊँ मैं तो अपने किलोमीटर पर लीटर ही कर रखी है। लैंग्वेज में जो आप अपने मर्जी से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी थी तो इंग्लिश ही करनी है। फ्यूल रीसेट कर सकते हो, टेम्परेचर आप जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन सॉरी फेरनहाइट के बीच में कर सकते हो। तो यहाँ पे कई भाई बोल रहे थे सेल्सियस और ये दिखा क्यों नहीं रहा ऊपर टेम्परेचर, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें जो है भाई अपनी गाड़ी में टेम्परेचर सेंसर ही नहीं है तो ये कैसे बताएगा। क्लॉक सेटिंग में जो आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कैसे जो है एडजस्ट करनी है, बैक कर देते हैं। लाइट्स में यहाँ पे लेन चेंज और ये सब जो आप कर सकते हो बैक कर देते हैं, ये नहीं है। डिस्प्ले आइटम में जो आपको यहाँ पे जो जो दिखाना है वो आप दिखा सकते हो, आइडल डिस्प्ले या फिर आइडल वार्निंग जो भी आपका मन करे। उसके बाद डिफॉल्ट पे अगर आपको सेट करना है जैसे कि पहले सारी सेटिंग्स थी तो वो भी जो है आप कर सकते हो। खैर यहाँ पे कई भाई बोल रहे थे कि क्या इसमें कलर चेंज हो सकता है मीटर का, तो भाई कलर चेंज नहीं हो सकता, इसमें एक स्टॉक ही अपना रेड कलर आता है। तो ये गाइस कुछ इसके फीचर थे। और देखो मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, जैसे मैं गाड़ी बंद करूंगा ना तो उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग डिस्टेंस कितना था और क्या कुछ रेंज है आपकी गाड़ी की। तो एज सच कुछ जो है भाई अपनी गाड़ी का ये मीटर है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। मुझसे पूछा जाए तो ये मैंने सारे फीचर्स आपको इलैबोरेट करने थे और बताने थे कि ये सब जो है फीचर्स आपको मिल जाते हैं अगर आप अपनी गाड़ी में ये वाला मीटर लगवाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा, बहुत सारे डाउट्स थे। अच्छा एक चीज और नीचे कि भाई किलोमीटर जो है रीसेट हो गया, क्या इनको वापस करने का कोई तरीका है? तो गाइस मैं आपको बोलूंगा, आपने देखा होगा कि भाई मीटर अगर हम लोग कम करवा सकते हैं, गाड़ियां 1-1 लाख किलोमीटर चलती है उनका कम करा के पीछे जाता है तो ज्यादा भी करवा सकते हैं। बट भाई देखो यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को कोई खास फर्क नहीं लग रहा क्योंकि मैंने मारुति में क्रॉस चेक कराया, दे साइड की भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पुराने वाले मीटर की फोटो खींच के रख लो और हमारे पास सारे रिकॉर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका उसी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, प्लस में ये प्लस कर लेंगे। तो एज सच जो है मारुति का कुछ रिस्पॉन्स आया था। एंड लाइट की बात करूँ तो लाल के साथ देख सकते हो कितना अल्टीमेट लग रहा है यहाँ पे, लाल के साथ कितनी बढ़िया लग रही है जो अपनी आस्तिका में, एक नंबर का पूरा जो है लाल के साथ सेट हो चुका है। तो हैट्स ऑफ, बढ़िया से वर्क कर रहा है, एकदम सही से वर्क कर रहा है, मुझे जो है इसमें पर्सनली कोई इशू नहीं फेस करना पड़ रहा। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए क्योंकि कई मेरे भाइयों के दिमाग में थे, मन में ये डाउट्स आ रहे थे कि हर्ष भाई ये सारे डाउट्स आप क्लियर कर दो, तो मैंने क्लियर कर दिया। और ये कुछ रिव्यू था अपने मीटर का मैंने सारा कुछ। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा भाई मीटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। टेम्परेचर जो है इस वजह से नहीं आ रहा बिकॉज गाड़ी में ही जो है बाहर का टेम्परेचर सेंसर नहीं है जो मतलब गाड़ी रीड कर पाए, बिकॉज बेस मॉडल में नहीं आता है टेम्परेचर सेंसर, तो उस वजह से जो है ऊपर वो सेंसर नहीं शो कर पा रहा, तो मीटर की कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया नीचे जो किलोमीटर रीडिंग्स आती हैं भाई, अगर आपकी मारुति में जानकारी है या अगर आप मारुति में चेंज करवा सकते हैं, एक्सवाइज़ेड कहीं से भी करवा सकते हैं, तो आप जो है इंक्रीज करवा के उस अमाउंट पर करवा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि भाई आप जो है आपका ऑलरेडी मीटर है उसकी फोटो खींच कर रख लीजिए, फोटो के आप रखेंगे तो सही हो जाएगा कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा और मारुति में पहले बात कर लीजिएगा, सो दैट आपको बाद में आप ना ही तो ऑडियन मोटर्स पे आप लोग बोलें कि भैया ये जीरो कैसे होगा, बिकॉज सारी चीजें जो होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए। एंड फिर यू भी आप मेरे को ना बोले कि हर्ष भाई ये जीरो हो चुका है, बिकॉज मैंने पर्सनली बात करी थी मारुति में एंड वो लोग मेरे से बोले कि भाई कोई इशू नहीं है, आप जो है लगवा लो, आप बस फोटो खींच के रख लेना और बाकी उन लोगों के पास भी प्रूफ रहता है, तो अगर इनकेस अगर आप जीरो भी लेके जाते हैं उनके पास तो उन लोगों को पता रहेगा आपकी गाड़ी कितनी चली, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज पॉसिबल है तो ये चीज भी पॉसिबल है। बाकी फिर आप जो है क्लियर कट कर लीजिएगा मारुति वाले से तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट बोलूं कि भाई इस मीटर में कोई दिक्कत नहीं, 0% कोई भी दिक्कत नहीं आती है, मीटर इज 100% ट्रस्टेड एंड गाइस आप लगवा सकते हैं। बस मीटर बनाने का मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि मैं एक रिव्यू दिखा पाऊं आप लोगों को, बिकॉज कई भाई लोगों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि ये काम नहीं कर रहा, इसमें ये काम नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, जो चीजें जैसे वर्क करनी चाहिए सबकी सब इसमें वर्क कर रही है, तो डरने वाले जैसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बस ये वीडियो रिव्यू के लिए बनाई थी, नहीं तो मैं यूजुअली वीडियोस नहीं बनाता। इसमें बहुत सारे डाउट्स थे जो मेरे को लगे लीगल हैं एंड हाँ आप लोगों को जानने चाहिए उन सबके आंसर्स, तो मैंने बना दी भाई। कोई और भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, धन्यवाद।